So hi guys, another side from Veggiepaaji and this is part 2 of the Manek Chowk series. Whatever, blah blah. Manek Chowk part 2. Okay. So Manek Chowk part 2, as you saw in part 1, we had two people new add and one of our who doesn't eat much food. So today we will get more, meaning like part 1 we ate, in part 2 we will eat more drugs, crazy things we will do. और वही जैसे अपना हिसाब रहता है अलग अलग चीज़ें ट्राई करना विद द सुरेले सॉन्ग्स ऑफ हॉर्न बजना वो सब चीज़ें करेंगे ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका क्या सीन रहता है मतलब शाम का। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच में पूरा वीडियो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीन क्या है यहाँ पे। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ होना है बहुत बहुत भर के बटर डालते हैं इसमें ना। इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे निकाल के इधर डालने। नाउ पार्थ एंड शाश्वत शू गाइस बिगिन। अबे तो आया था ना तेरा आगे मन कर गया था पापड़ के साथ हो गया मेरा उधर ही तेरा हो गया कदम। थोड़ा तो खाएगा अब नहीं खाएगा। न्यू कंटेंडर इन द हाउस। न्यू कंटेंडर यू स्टार्ट। सोच रहा है इतनी चीज़ में कहाँ से स्टार्ट करूँ बिना चीज़ के उठाता हूँ। गर्म है बहुत। हाउज़ इट सही है ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जैसे हम लोग मसाला पापड़ खा रहे थे और इसमें कुछ मिसिंग सा लग रहा था वो ये चीज़ मिसिंग थी। ये जो बीएम नहीं जिसको जैसे मॉन्स्ट्रोसिटी चीज़ है बड़ा लड़ा लड़ा। सो देखो एक ना एक स्टेट ऑफ माइंड होता है लोगों का। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को बोलते हैं ये नहीं है ये बेकार है। तो मैं उन लोगों में से हूं जो हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि वेज बिरयानी एग्जिस्ट करती है। बट मैं कहूँगा कि ये पुलाव है वो अलग है। वो जब हम लोग हैदराबाद में मिलेंगे मैं और आप तो बात करेंगे वेज बिरयानी के बारे में। अभी हम लोग अहमदाबाद में लोग पुलाव खाते हैं जम के पुलाव खाते हैं। तो अभी हम लोग पुलाव खा रहे हैं और एकदम ऐसा वैसा पुलाव नहीं खा रहे। कौन सा पुलाव खा रहे हैं? महालक्ष्मी स्पेशल पुलाव ठीक है। उसमें एकदम मस्त ड्राई फ्रूट्स वगैरह और वो क्या वर्ड था किशमिश का द्राक्ष। तो काजू और द्राक्ष मतलब किशमिश डाल डूल के और चीज़ लोड कर करके महालक्ष्मी स्पेशल पुलाव खा रहे हैं ठीक है। यहाँ का जो स्पेशल है ठीक है। आप जैसा देश वैसा भेस। काजू भी आया मेरे को और मतलब पहले जब बाइट लेते हो ना तो पुलाव का एकदम मसाला वगैरह आता है फिर काजू आता है कहीं से और फिर एकदम एंड करते हो तो चीज़ की एकदम क्रीमी। हाँ बहुत बढ़िया मतलब। और मतलब ऐसा मधुर शोर है ना लोगों का ये खा लो वो खा लो प्लीज़ ये खा लो प्लीज़ वो खा लो उसके साथ और बढ़िया लगता है। अगली क्रेजी चीज़ पे जो है यहाँ पे क्रेजी नहीं है यहाँ तो सभी खाते हैं ना पाइनएप्पल सैंडविच। हाँ मतलब यहाँ पे तो अगर पाइनएप्पल नहीं हो तो दिक्कत होगा सैंडविच में ऐसा थोड़ा हिसाब टाइप का है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि पाइनएप्पल ऐसे सैंडविच में कैसे डाल के खा रहे हो कैसे कर सकते हो तुम। बट मैं कह रहा हूँ ना वी आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल वी शुड एक्सेप्ट एंड सेलिब्रेट। जैसे हम लोगों ने इस पुलाव को एक्सेप्ट और सेलिब्रेट करा। बहुत क्रेजी पुलाव है। काजू खाएँ काजू चीज़ और इसको खाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं और फिर पढ़ते हैं पाइनएप्पल काजू इम्पॉर्टेंट है बॉस पाइनएप्पल सैंडविच पे। पुलाव में मसाले भी इतने डाले मैम बहुत बढ़िया।
ये वाला कितना चीज़ लगता होगा? एक किलो का ये? एक किलो का। कितना चीज़ लगता है इसका? ये मतलब एक दिन में कितना चीज़ लगता है ये एक किलो वाला? एक किलो वाला जो लगता है लगभग एक दिन में 15 किलो। 15 किलो एक दुकान का लगता है? शनि रवि को 30 किलो। क्या? शनि रवि को 30 किलो। अच्छा सर, वो वीकेंड पे? हाँ, शनि रवि आएगा, शनि रवि तो 30 किलो एक दिन का। ये एक दुकान का है? एक दुकान। यहाँ पे कितना दुकान है? 40 के आसपास होगा। तो वगैरह वीकेंड पे 30 kgs, सो वीकेंड पे 30 kgs फॉर वन शॉप चीज़ कंजम्पशन। हाँ हाँ, पर डे? पर डे इंटू 40, मतलब 40 तो है, तो मतलब 20 तो दुकानें चीज़ बेच रही होगी। अच्छा खासा 600 kgs, 9600 kgs। ये तो वीकेंड हो गया 10,000 किलो, ठीक है। और इसको अब कैलकुलेशन मतलब अच्छा खासा हो जाएगा। पाइनएप्पल आइसक्रीम चीज एंड पाइनएप्पल जैम और नीचे स्लाइस होगी। ये स्लाइस, हाँ इसको निकाल दे। अब ये ऐसे फोटो लो, बहुत सरस थे। सीख रहा हूँ मैं अभी। अभी हम लोग गुजरात में हैं और गुजरात के लोग बहुत स्वीट होते हैं और वो स्वीट खाना खाते हैं। उसका एक प्राइम एग्जांपल जो है वो इस डिश में है जो नीचे है। एक डबल डेकर है ना, तो पूरा खाना पड़ेगा ना। ये लो, अरे डबल डेकर पूछा था तुमसे, तुमने यहाँ बोला। अच्छा, इसमें आई थिंक बटर भी डाला हुआ है। बटर होता है? हाँ बटर तो ऑब्वियसली खुशबू आ रहा है बटर का। ओके लेट्स डिग इन। अभी मेरे को बटर का फ्लेवर आ रहा है, फिर एकदम पाइनएप्पल का, फ्रेश पाइनएप्पल, फ्रेश नहीं एक्चुअली कैंड पाइनएप्पल होते हैं, कैंड पाइनएप्पल का फ्लेवर है। फिर एकदम एंड में एवरीथिंग एंड्स विद चीज़ की क्रीमीनेस। दिस इज जस्ट इनसेन। आई मीन लाइक मैंने लास्ट जब ऐसा सैंडविच खाया था ना, जो मतलब अहमदाबाद में आई थिंक जो सैंडविचेज होते हैं, जो मेजॉरिटी सैंडविच होते हैं वो टोस्ट नहीं होते, नहीं वो ऐसे कच्चे ही मिलते हैं। मैंने जो लास्ट कच्चा सैंडविच खाया था ना ऐसा, वो खाया था मैंने मुंबई में, वो 400 रुपये वाला सैंडविच, वो याद है? वो 400 रुपये वाला सैंडविच एक मुंबई का डाला था, वो इतना बड़ा। बिपिन यहाँ पे भी मिलता है शायद, वो नहीं, वो अहमदाबाद में मिलता है या बद्रो गुजरात में मिलता है कहीं पे। उसमें पाइनएप्पल के साथ शेजवान के ये वो डाल डूल के, और उसके बाद अब मैं ये खा रहा हूँ पाइनएप्पल और सैंडविच एक जगह फिर से। एंड आई कैन टोटली से दिस इज़ लाइक जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं मानिक चौक में आया था ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मानिक चौक इज़ लाइक अ रिलीजियस प्लेस फॉर ऑल द फूड इज़ लाइक, यहाँ पे आओ अहमदाबाद में आओ तो यहाँ पे आके मत्था टेकना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है अहमदाबाद, क्या खाना खाना खाते हो तुम लोगों को? खाना पसंद है? पसंद है तुम्हें? नहीं, अगर मानिक चौक नहीं आया तब नहीं पसंद। कांट से यू लाइक इट फूड कोई भी हो, मेरे फ्रेंड्स। मानिक चौक इज़ एन इमोशन, इट्स एन इमोशन। अभी बहुत सीरियस हो गया हमारा मामला, अभी मेरे को इसको ब्रीथ करने दो। द रश ऑफ मानिक चौक, अभी यहाँ पे ना आधा घंटा और रुक गए ना यहाँ पे, तो बाहर निकलने के लिए वेटिंग लगेगी। हाँ वो है, क्योंकि अभी सब जैम पैक्ड है, कहीं पे अंदर घुसने घुसाने सब जिसने घुस गए थे। ऑलमोस्ट 10 बजने का आ रहा है, पीक टाइम अभी हो चुका है यहाँ पे। 3 बजे तक चलती है आई थिंक मार्केट, 2-3 बजे तक चलती है। तो अभी एकदम पीक टाइम है, लाइक द मिड टाइम, हवा भी अच्छी चलने लग गई है। खाना वाना ख़त्म करके फिर आगे को निकलते हैं, थोड़ा इससे पहले कि हम लोग रश में ऐसा डूब जाए कि बाहर निकलने की वेटिंग लगे। ठीक है,
ठीक है, चटनी है, छाछ है, ये दही है, दही है, दही है ना, मीठा दही है, स्वीट स्वीट दही, ये क्या लॉजिक है, शुगर डाल के दही पतला करके देते हैं, ये मेरे को नहीं जच रहा, अरे मैं खबर देना, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, अरे ये कोकोनट चटनी है, ये भी लूज आती है, अच्छा इसमें उंगली मारो एक, हाँ वो आएगा आएगा, ये सब देखो, ऐसे उधर वो बैंगलोर में मिलता है बेने दोसा, यहाँ क्या कहते हैं इसे, दोसा ही बोलते हैं, नहीं कौन सा दोसा है ये, ग्वालियर, 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 अच्छा मतलब वाली नाम दिया है ग्वालियर, ग्वालियर नाम दोसा दिया, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर दोसे का नाम दे दिया, रायपुर गेट बना दिया, सब कर रहे सब सब है तुम्हारा, ये सब सब अपना ही है, सब अपना है, वो जो डोसा का मेकिंग मैंने आपको दिखाया था ना, वो ऐसे लाइक लिटरली अमूल बटर का आधा किलो या एक किलो का वो पैकेट होता है, उसको डोसा वो ऐसे ऐसे रगड़ते हैं फिर वापस साइड में रखते हैं, ये वही वाला डोसा है ना, यार तो इसमें आई थिंक आर यू रेडी फॉर द मैडनेस, क्या कहना है आपका, नहीं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पेट बाहर आ जाएगा, तो कुछ डिजीज विजीज हो जाएगा, इतना बटर मैं खाना प्रमोट नहीं करता, बट अब आ गया तो कोई नहीं खा लेते हैं, चलो आओ खाओ, देखा जो बैटर है ना बहुत बढ़िया फर्मेंटेड है, लाइक रियली गुड फर्मेंटेशन इन द बैटर, और उसमें बटर का जो टेस्ट आ रहा है ऐसा नहीं है कि बटर का टेस्ट बहुत ओवर पावर कर रहा है, लाइक ऐसा लगेगा आपको कि एक क्या होता है, मतलब अगर ये बहुत ही एवरेज डोसा का बैटर होता ना उस पर बटर डाल देते तो बहुत कचरा लगता है, अभी क्या दिस बैटर इज़ रियली गुड, मतलब बैटर के अंदर जो फ्लेवर है ना वो थोड़ी सी जो जब होता है ना फर्मेंट करते हो तो थोड़ी खटास आती है, हाँ वो आ रहा है, और उसके ऊपर फिर हल्का हल्का बटर का फ्लेवर आ रहा है, विच इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, हाँ और चटनी ना मेरे हिसाब से चटनी तभी एकदम पतली पतली रखी है ताकि चटनी का फ्लेवर ज़्यादा ना है, जो ओरिजिनल ये फ्लेवर है वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा है, जो सबसे वियर्ड चीज़ जो हमारे पास है विच इज़ स्वीट दही, नहीं सबसे वियर्ड चीज़ है वो है स्वीट दही, आई हैव नो आइडिया कि डोसे के साथ मीठा दही क्यों है, पर खा के देखते हैं शायद कुछ अच्छा लग जाए, हाँ नॉट बैड, ओह अच्छा लग रहा है, ये ना वो हम लोग वो बनाते हैं जब सावन ख़त्म हो रहा होता है ना, पूड़े बनाते हैं मीठे पूड़े, उसके साथ खीर बनाते हैं, और फिर वो खीर जो होते हैं उसको ऐसे मतलब मून लाइट में रखते हैं और फिर बाद में खाते हैं उसको, वो जो हाँ अब वो पता नहीं, वो हर हर घर में उसको अलग चीज़ बोलते हैं, पर जो वो जो फ्लेवर है ना वो ऐसे मीठे दही के साथ खाने में मेरे को वो आ रहा है, क्योंकि मतलब बेसिकली वो बैटर भी वो भी ऐसे ही बैटर रहता है, कुछ चावल का ऐसे कुछ रहता है बैटर, और वो खीर का कॉम्प्लीमेंट या ऐसा कर रहा है, तो मेरे को वो फ्लेवर पता नहीं क्यों वैसा फ्लेवर आ रहा है, बट जो भी है मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ ना कि यू शुड बी एक्सेप्टिंग टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब मेरे को बहुत ही स्टूपिड आइडिया लगा था इसमें मीठा दही डालने का डोसा के साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था कोई कर सकता है, बट मैंने ये भी नहीं सोचा था कि भरी ज्वेलरी की मार्केट में 300 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं और वो इंडिया की सबसे पॉपुलर खाने की जगह बन सकती है, तो व्हेन यू डू स्टूपिड थिंग्स समटाइम्स द आउटकम इज़ सो क्रेजी दैट पीपल एक्चुअली अप्रिशिएट यू, जैसे मैं इस मीठे दही को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत सही है, अभी हम लोग खाने से ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं, अब खाने का अब पेट का थोड़ा गिवअप हो रहा है, जाते हैं कुछ मीठा वीठा खाते हैं, थोड़ा हाथ धोते हैं क्योंकि हाथ जो है ना वो कहावत है ना पाँचों उंगलियाँ घी में पाँचों उंगलियाँ अमूल बटर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल में है अभी चलते हैं और कुल्फी वगैरह चेपते हैं, मतलब तूने तो बोला था यहाँ पे एक स्कूटी भी नहीं आनी चाहिए 10 बजे के बाद 8 बजे के बाद, ट्रैक्टर कहाँ से आ गया, कचरा उठा, इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या है स्वच्छ भारत अभियान ऑन पॉइंट, गुड वर्क इज हैपनिंग इन नेशन,
ये रहा। अच्छा डिफरेंट फ्लेवर्स, एक मेरा बस्ती राम कुल्फी स्पेशल है। अच्छा ये मटका है और ये रबड़ी है। अरे वो तो तुम लो ना, मैं आता हूँ। शुरू करिए भैया, वो शूटिंग करके आते हैं। हाँ हाँ, बस दो मिनट में आते हैं। ये मेरा बस्ती राम स्पेशल आया है। ये बस्ती राम, इसमें क्या होता है बस? उसमें सर द फोर डिफरेंट फ्लेवर कुल्फी आता है। कौन कौन? अच्छा फोर डिफरेंट, जैसे आपका ये मतलब वो आपने चॉकलेट वाला जैसे दिखाया था वैसा है। ये चार अलग अलग फ्लेवर कुल्फी है, फ्लेवर आएगा प्लस रबड़ी आएगा, रबड़ी आएगा, रोज एंड केसर सिरप आएगा। तो ये एकदम लोडेड रहता है ये वाला बस्ती राम आपका। समझ गया समझ गया, इसमें सारी चीजें जो मेरी स्पेशल होती है, फैमिली पैक टाइप का है। अच्छा ग्रीन पिस्ता का आता है, रबड़ी कुल्फी आती है, राजभोग का आएगा, मलाई बादाम का आएगा, सब मिक्स। अच्छा चार फ्लेवर्स आएंगे, फिर उसमें रबड़ी भी आएगी प्लस रबड़ी और उसमें रोज सिरप आएंगे। अच्छा ये थिक रबड़ी भी है एंड इसमें रोज सिरप। ओके ये सैफरन सिरप नहीं, केसर, केसर सिरप। ओके नाइस ग्रेट। ओके जी अब हम खाते हैं। मेरा वाला कौन सा? मैं ये वाला लूँगा, मैं चॉकलेट फ्लेवर से अलग है ना, वही तो मैं आई एम नॉट अ चॉकलेट गाय। हाँ वही ना, आर यू अ चॉकलेट गाय? हाँ ओके, क्या पूछ रहा हूँ? हाँ कि ना मेरे को? हाँ ठीक है, तो तुम चॉकलेट खाओ। इसमें चॉकलेट है और इसमें आई थिंक स्ट्रॉबेरी और पान है। अच्छा पिस्ता है, राजभोग का है, मलाई का है और रोज आलमंड का है। अच्छा रोज आलमंड, और ये इसमें बीपीके का है, बादाम का है, चॉकलेट का और मलाई का है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो तुम ये खाओ। एट फ्लेवर्स का सारा वैरायटी दे दिया। अच्छा 70 फ्लेवर्स है, 8 दिए आपको। अच्छा एक थोड़ा पोर्शन का आइडिया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोगों के पास ये दोनों मटका कुल्फीज है, जिसमें चार चार फ्लेवर आपको एक ही कुल्फी में ट्राई करने को मिल जाते हैं, और ये रबड़ी कुल्फी है। अभी क्या ये दोनों, अभी क्या मटका कुल्फी लेने के बाद ना, हम दोनों ने मटका कुल्फी लिया, मैंने और इसने पार्थ ने, बट अब मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। उसको ऐसा लग रहा है ये क्या नॉर्मल सी चीज़ है, ये देख के ना चार फ्लेवर देख के मेरे को लग रहा है ये क्या नॉर्मल सी चीज़ है। तो यू कीप ऑन एंजॉइंग ऑल दिस, मज़ा करो, हम इसको खाते हैं। अभी खाना है हम लोग, हमारे पास टोटल 8 फ्लेवर्स हैं, रबड़ी मेरा मटका और उसका भी कुछ अलग चॉकलेट वाला चल रहा है साहब। वो बादाम है, ये पिस्ता है, ये रोज़ है और ये वाला दिले का। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम लोग इतना शूट कर रहे थे ना, सब अभी दिस इज लाइक अ शेक बन ही जा रहा है, थिक शेक बन रहा है, तो सब एक दूसरे से मतलब सेकुलरिज्म इंडिया इज दिस, सब मिलजुल रहे हैं, मिलजुल के पिघल रहे हैं और फिर हम इसको खा रहे हैं। अभी हम लोग इस कुल्फी को एंजॉय करते हैं, द ब्यूटीफुल कुल्फी। इस कुल्फी को आराम से बैठ के हम तीनों ख़त्म करते हैं आज एकदम। ये दोनों जो है ना एकदम सेवियर्स के जैसे आए हैं ये दोनों, इन्होंने तेरे सेवियर्स और मेरे भी, क्यों बहुत सारा खाना हम लोगों ने खाया है इन दोनों की बदौलत। तो थैंक्स टू यू गाइस एंड थैंक्स टू यू गाइस जो लोग ये वीडियो देखते हो और सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग जगह पर घूम पाते हैं और फिर हम लोग ऐसे गॉड सेव लाइक टाइप एंजल से मिल पाते हैं जो लोग खाना खाते हैं। इसी से हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या खाने निकलते हो शाम को रात को, मतलब क्या क्या सीन क्या रहता है आपके, आपका सीन क्या है बॉस? ठीक है हम लोग अभी एकदम मतलब ये ख़त्म करके पहुँचते हैं होटल, सोते हैं, अच्छी खासी 12 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी इसको डाइजेस्ट करने के लिए और आज जितना भी सारा खाया है दिन में, और फिर आपसे कल मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और बढ़िया से खाने के साथ। मिलते हैं फिर, आओ जो मैं अभी गुजराती ऑलमोस्ट सीख चुका हूँ थोड़ी बहुत।